Okay, so I've come here for the very first time and I am here to support my very good, very dearest friend Avin. Or I am so glad that he has started this this place. I mean, I am so happy for him. Or उसे मैंने हम जब साथ में ट्रेन में और बस में धक्के खाते थे और साथ में हम जब ऑडिशन देने जाते थे तब से जानता हूँ और आज देख रहा हूँ इतने सारे बिजनेस ओपन कर रहा है, इतना अच्छा नाम कमा रहा है. आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ हिम एंड आई जस्ट वॉन्ट टू विश हिम के ये लाउंज और इसके बाद भी वो लाइफ में बहुत जो भी काम करे उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और मेरी गुड विशेज हमेशा हमेशा उसके साथ हैं और ऐसे जो भी फंक्शंस हो गए मैं डेफिनेटली हमेशा कोशिश करूँगा कि अटेंड करूँ और आगे उसे सपोर्ट करूँ. हाल ही में सोशल करेंसी में भी थे वो, देखा होगा आपने सीरीज? नॉट येट, मैंने अभी तक देखा नहीं है. आई एम सो सॉरी. कौन से अपकमिंग मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है? एक बहुत ही अच्छा सा मैंने एक वेब शो किया है और साथ ही दो फिल्म मेरी ऑन द वे है, इस साल ही रिलीज़ होने वाली है ये, और दो तीन फिल्म के लिए और भी मैं बात कर रहा हूँ. वेरी सून आई लॉक समथिंग एंड अनाउंस दैट इन ऑन सोशल मीडिया. बात कर रियलिटी शो की तो बिग बॉस चालू है अभी. सॉरी बिग बॉस या रियलिटी शो नहीं, मुझे इस साल आई डोंट रिमेम्बर इस साल कौन मतलब बिग बॉस में गया, आई डोंट रिमेंबर. बट मैं फिलहाल मैं फॉलो नहीं करता और मैं बहुत टाइम से टीवी नहीं देख रहा हूँ एक्चुअली, तो मुझे पता नहीं है. आई एम सो सॉरी. हसर टू? हसर टू नहीं किया मैंने. हसर टू मैं नहीं हूँ. आई मेट यदित फ्यू ईयर्स बैक और कभी सोचा नहीं था कि यदित के साथ ऐसे कभी बिजनेस विजनेस करेंगे. बट लास्ट ईयर वी हैपन टू ओपन अ टर्फ एंड स्टूकर पार्लर, हमने लास्ट ईयर खोला था. इट डिड सो वेल, भगवान की दया से. आप कभी भी आओ, वी आर द नंबर वन स्पोर्ट्स स्टेशन, नंबर वन स्नूकर क्लब एक्चुअली इन मुंबई. और इट डिड सो वेल, हमने उस दिन कसम खाई कि अब हर साल एक बिजनेस शुरू करेंगे. अभी तक माफिया जो हमारा उस वेंचर का नाम है उसको एक साल हुआ नहीं है. दिस इज़ आर सेकेंड वेंचर टुगेदर, एयर 11. वी हैव वन मोर पार्टनर दीपेन धनवानी विद अस, वो आ रहे हैं अभी. बट हाँ, सर्विंग पीपल विद गुड फूड हैज़ ऑलवेज बीन मीन वन ऑफ माय मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन माय लाइफ. मेरा एक रेस्टोरेंट भी है लेकिन वो घाटकों पर है, वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते. जो वहाँ नहीं पहुँच पाते उनके लिए हमने यहाँ पे खोला है. अ गुड पार्टी प्लेस टू कम विथ योर फैमिली, good ambience and enjoy everything that you want. An entrepreneur. यही तो उम्र है और जैसा अभी जिस टाइम में हम जी रहे हैं अभी तो हर घर में कलाकार है. अभी इतना ईजी बन गया आर्टिस्ट बनना कि हमारे पास आर्ट तो है लेकिन उस आर्ट की कभी फ्यूचर में कदर रहे ना रहे उसका कोई गारंटी नहीं होता. आई एम जस्ट सिक्योरिंग माई फ्यूचर. आई मीन एक आई थिंक कहीं ना कहीं मैं पिछले 9 साल से जो काम कर रहा हूँ एक फेस वैल्यू बनाने में कामयाब तो हुआ हूँ. एक छोटी सी फेस वैल्यू है जिसके लेकर मैं जो भी वेंचर खोलता हूँ लोग आते हैं. हमने माफिया किया साथ में, वहाँ पे लोग आए डे वन से. इट्स नेवर अ लॉस मेकिंग बिजनेस. हमने ट्रायो स्पाइस किया घाटकोपर में माय रेस्टोरेंट, वहाँ लोग आए डे वन से. वी नेवर एक भी दिन घर का पैसा नहीं डाला. अब ये है, अब आई होप यहाँ भी लोग आए. सो बेसिकली वी आर एंटरप्राइजिंग पार्ट टू, व्हाट यू हैव टू से. ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. सो जनरली I am a very introvert kind of a person. I generally do not gel up with people easily. But few years back I met Bhavin. तो मैंने भाविन को अगेन यही पूछा कि यार भाविन मैं क्या करूँ, मतलब मुझे कुछ बिजनेस चालू करना है. तो इसने बोला कि टर्फ चालू करो.
तो मैंने बोला मैं तो टर्फ देखने जा रहा हूँ. सो वहाँ से हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई एंड हियर वी आर टुडे. सो बेसिकली व्हाट वी आर क्रिएटिंग हियर इज के वी आर डूइंग व्हाट वी लव. आई मीन हम लोग दोनों को स्पोर्ट्स पसंद है. हम लोग का स्पोर्ट्स स्टेशन है. हम लोग दोनों बहुत बड़े फूडी है. तो यस, सो दिस इज अ प्लेस फॉर यंगस्टर्स वेयर पीपल कैन कम सिट chill enjoy. There is everything you can do here. हफ्ते में दो बार हम live music रखते हैं. yes, so here there is DJ night. here two times a week you have live music, so you can come here with your friends, your family, and you can just chill. so talking about food, what is the USP, you know, mocktails? हमारे पास एक तो mocktails में तो भाई 18 mocktails होंगे हमारे पास, जो एकदम exotic ऐसा ज़्यादा बहुत बड़ा line नहीं रखा है menu में, बट 18 के 18 बहुत अच्छे हैं. और फूड हमारे पास प्योर वेज और जैन फूड है, क्योंकि ज़्यादातर हमें यहाँ पे जो क्राउड लगती है वो गुजराती मारवाड़ी बहुत आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम प्योर वेज हैं यहाँ पे. और जैन फूड भी अवेलेबल है. और आप एक बार खाओगे हमारे खाना तो एकदम उंगलियाँ चाट चाट के खाओगे, स्पेशली हमारी थाई करी राइस. तो इट्स जस्ट अमेजिंग. इट्स एंड कमिंग फ्रॉम मी, जो मुझे जानते हैं उसे पता मैं कितना बड़ा फूडी हूँ, और फूड में कभी गलत राय नहीं दूंगा. तो कम हियर एंड जस्ट आस्क फॉर द थाई करी राइस, यू विल लव इट. मैं बहुत एक्साइटेड, जब भी मेरा कोई ऐसा लॉन्च होता है या मैं मुझे पता नहीं होता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, मुझे पता है सब आएंगे, सबके कॉल जाना शुरू हो गए हैं कि कहाँ कैसे कहाँ आना है. तो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड, सब आएंगे, अब साथ में हम पार्टी करेंगे. आई होप कि आप सबको, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारी मीडिया है, सबको एम्बियंस अच्छी लगे और उन लोगों तक पहुँचा पाओ हमारी एम्बियंस को जिन्हें नहीं पता है, जहाँ तक हमारी ऑडियंस नहीं है. और आर थर्ड पार्टनर दीपेन धनवानी, ये वेंचर इनका था एयर 11, जहाँ पे इन्होंने मुझे और यदित को जोड़ा. ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें साथ लिया और इस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को और ऊपर लेके जाएंगे. और सक्सेस है दीपेन भाई, इट्स अ डे वन. We're just very excited. We've been running this venture since long. We're very excited to get associated with Bhavin and Yadit. Success with, and eventually it's going to be a big success. Bhavin, rooftop का जो concept है, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और rooftop की बात कर रहे हैं, roof ढकी हुई है, क्या कहेंगे आप? मैं ना, मेरे जैसे ना बहुत लोग होते हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, जिन्हें ना ऐसे लाउड म्यूजिक में ना एंगजाइटी हो जाती है. जब मुझे, मैं कहीं किसी क्लब में जाऊँगा ना, जहाँ पे अगर बहुत भीड़ भाड़ है, चारों तरफ दीवारें हैं, तो मुझे एक टाइम आधे घंटे बाद ना मुझे लगता है मैं घर जा रहा हूँ. आप लोग नाचो, मैं घर जा रहा हूँ. तो मैं ऐसी जगह बहुत ढूंढता हूँ. और आई डोंट थिंक कि ऐसे कांदेवली से अंधेरी के बीच में हमारे ऐसा रूफ टॉप कोई है. वो दंगे की चोट पर बोलता हूँ कि आप अगर कांदेवली से अंधेरी के बीच में रहते हो तो ऐसा रूफ टॉप आपको कहीं नहीं मिलेगा. यहाँ पर आपको सांस लेने मिलेगा. और जैसे अभी तो रेनी सीजन है, इसलिए हमने ढक रखा है. जैसे रेनी सीजन जाएगा, 3 महीने बाद ये खुलेगा और सामने बुर्ज खलीफा. आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि मुंबई सामने ऐसे स्काई स्क्रैपर्स हैं और फुल दुबई व्यू में आप चिल कर सकते हैं. नेक्स्ट वेंचर क्या होगा आपका? नेक्स्ट वेंचर हम प्लान कर रहे हैं, हम तीनों मिल गए कुछ. और अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले कुछ ही महीनों में हम बॉम्ब पड़ेंगे. दिनों में तो बहुत, आपने बहुत ज़्यादा रिवील कर दिया. थैंक यू सो मच. કાટકોપરમાં પણ છે હોટેલ, ત્યાં જઈ નથી શક્યો હું, અહીંયા આવ્યો છું. એન્ડ આઈ નો ઇટ્સ અ બ્યુટિફુલ પ્લેસ, ઓર મેં તો યહાં આઉંગા, આપ લોકો કો ભી આના હૈ. ભાવિન, ગોડ બ્લેસ યુ, લવ યુ. ઓ ઇટ્સ એન અમેઝિંગ પ્લેસ, મેં બહુ ખુશ હું. એન્ડ આઈ એમ હિયર રાઈટ નાઉ ટુ સપોર્ટ હિમ ફોર હિઝ ન્યુ વેન્ચર, વિચ ઇઝ વેરી સ્પોર્ટી લુક એન્ડ ઇટ્સ અમેઝિંગ. And I'm very happy and I congratulate Bhavin because he's doing way too good in his life with being an entrepreneur, actor, singer itself. There are like, he has like, he's a king, I feel like. So yeah, I'm very happy about it. Oh, I'm a, ज़्यादातर तो मुझे घर का खाना पसंद है because I prefer simple more. I'm not that foodie. ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, but हाँ, घर का. और ये तो गुजराती वाला है, मैं खुद गुजराती हूँ. सो या आई लव फूड इन गुजराती स्टाइल. वेरी 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 हैप्पी फॉर हिम एंड दिस इज सो स्पेशल.
fighting for him and for all of us to see him grow at such a nice level. And he's doing great. He's doing absolutely great. सर जी बात करें आपका मैदान मूवी आ रही है अजय सर के साथ, उसको लेकर किस तरह एक्सपीरियंस रहा क्योंकि इतने बड़े दिग्गज कलाकार हैं अजय सर? बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। इनफैक्ट उनके साथ काम करके मुझे तो बहुत मज़ा आया। सेट पे हर वक्त मस्ती का माहौल रहता था, खेलने का माहौल रहता था। जैसे कि फिल्म भी फुटबॉल पे है तो ऑफ स्क्रीन भी हम लोग फुटबॉल चीज़ें सब खेलते रहते थे एंड वो बहुत ही अच्छे। इनफैक्ट वो लिटरली मेरे फादर फिगर थे ऑन सेट एंड उन्होंने मेरा बहुत ध्यान भी रखा, हर वक्त हम लोग साथ में ही रहते थे तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। बात करें रियलिटी शो की तो आपने खुद ही कहा अभी इंटरव्यू में आपको बहुत ही रियलिटी शो बहुत पसंद है, बताना चाहोगे? हाँ जी, अब जैसे कि जो मेरे फैंस हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि मैं डांसिंग भी करती हूँ, मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मेरा अपना गाना भी आया है मेरे सपने जो कि सारे प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम कर रहा है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी मिला। इनफैक्ट मेरे सपने तो मैं सिंगिंग भी करती हूँ, डांसिंग भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ। तो हाँ, अगर कभी मौका मिला तो झलक दिखला जा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शोज एंड आई वॉच इट लाइक ऑल द टाइम। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू। यार बहुत खुशी होती है जब हमारे अपने आगे बढ़ रहे होते हैं लाइफ में। तो भाविन, आई नो भाविन का जर्नी कैसे शुरू हुआ और अभी इतना अच्छा अच्छा कर रहा है, इतना सक्सेसफुल है, तो बहुत खुशी होती है और हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए रहूँ, यू नो, उसकी खुशी में उसके साथ रहूँ। सो ऑफकोर्स उसका आज लाउंज जो है वो लॉन्च हो रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम एंड आई एम रियली प्राउड। सो आई वांटेड टू बी देयर फॉर हिम, इसलिए डायरेक्टली शूट से भाग के इधर आ रही हूँ। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल आप लग रही है, बैक टू बैक आप काफ़ी मतलब स्लिम भी होते जा रही है बैक टू बैक। और नहीं यार, मैं फिटनेस को लेकर, यार मैं बहुत, मुझे योगा करना बहुत पसंद है तो आई थिंक अगर आप राज पूछोगे तो शायद वही है, योगा मैं बहुत करती हूँ और अभी जिम भी कर रही हूँ। सो आई थिंक मे बी, और खुश रहती हूँ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं इतना ग्लो कैसे करते हो, तो आई थिंक उसका जो एक हैप्पीनेस मंत्रा है उससे आप ग्लो करते हो लाइफ में, तो वो है। जैसे कि OTT का दौर चल रहा है, वेब सीरीज वगैरह देखने को मिलेगा? श्योरली बिल्कुल मिलेगा फ्यूचर में। अभी फिलहाल तारक से टाइम नहीं मिलता है ऑनेस्टली, वी शूट फॉर 15-20 डेज अ मंथ एंड देन फिर मेरा सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर बिजी रहती हूँ, बट डेफिनेटली फ्यूचर में श्योरली। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट हिम एंड ऐसे वो 4 की जगह ऐसे काफ़ी सारे हो जाए बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया, हर जगह उसके एक रेस्टोरेंट हो, मिलियनेयर बनते जा रहा है। हाँ, देख रहे हो। अभी खुद ही प्रोड्यूस करेगी फिल्म अपनी। हाँ, तो मैं चाहूँगी कि वो फिल्म प्रोड्यूस करे और कभी ऐसा मौका मिले कि मैं काम करूँ उनके साथ। एंड मैं भविन को काफ़ी सालों से जानती हूँ तो मैं कभी उसको नॉर्मली मिलूँ या ना मिलूँ, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, बारिश आने वाली है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसकी अचीवमेंट्स में हमेशा उसके आऊँ और यू नो उसके लिए ब्लेसिंग्स दूँ एंड उसको बेस्ट विशेस दूँ अपनी। सो आई ऑलवेज ट्राई एंड टुडे आई हियर आई एम एंड कंग्रेचुलेशंस टू हिम। मैम बिग बॉस देख रहे हैं आप, बिग बॉस OTT, आपके कोई फ्रेंड्स हैं? इस बार एक्चुअली मेरे कोई फ्रेंड नहीं है बिग बॉस में, पहली बार ऐसा फ्रेंड, मतलब जानती मैं काफ़ी लोगों को, सबको ही जानती हूँ हालांकि, बट एज सच वी आर नॉट फ्रेंड्स, तो मैं कुछ कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ OTT मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। इट वॉज़ ऑन TV तो मैं फॉलो करती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था, OTT पे है तो थोड़ा फॉलो करना मुश्किल है, बट हाँ बीच बीच में मैं देख लेती हूँ, मैं अपने आप को फुल अपडेटेड रखती हूँ बिग बॉस की सारी न्यूज़ से, सारी चीज़ों से। रियलिटी शो की तो आप पहले बिग बॉस एक ऐसा शो था जो मैं करना चाहती थी हमेशा से, बट अभी मुझे लग रहा है थोड़ा मेरा प्लान शिफ्ट हो गया है वहाँ से, तो ऑफकोर्स मैं डांसिंग शोज करना चाहूँगी। अगर मुझे रियलिटी शो कभी करना होगा तो मैं डांसिंग शो करना चाहूँगी, झलक या खतरों के खिलाड़ी। थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट उसमें मज़ा आएगा, कुछ करने को होगा। ठीक है, थैंक यू।